हेलो एवरीवन, आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स मोशन का न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस में और न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें जिनसे उनको भी ये वीडियो मिलता रहे। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आ बॉडी फर्स्ट goes from point A to point B, ठीक है, कॉमा लगाइएगा, then it goes from पॉइंट बी टू पॉइंट सी, फिर कॉमा लगाएगा, फिर लिखिएगा एज सीन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर एक ड्रा करेंगे, फिगर में एकदम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और एक, ये देखिए, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन इनको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप दिखाएंगे ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपको बताया गया है कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए टू बी जाती है, कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी बेटा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट बी टू सी, तो पॉइंट बी से सी की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको निकालना रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही, पहला पॉइंट था आपका ए, दूसरा पॉइंट है बी, देन लास्ट पॉइंट है सी। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इतने में कोई दिक्कत? नो सर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको दो चीजें, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में डिस्टेंस, डिस्टेंस का बेटा फार्मूला क्या था, एक्चुअल पाथ है ना। डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिस्टेंस का क्या आपका फार्मूला था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल सा है, तो आपको पता है डिस्टेंस, जो भी बॉडी आपका, जो भी ऑब्जेक्ट था वो आपका कहाँ से कहाँ तक गया था, तो ए टू बी तो ए बी, प्लस बी टू सी बी टू सी, ठीक है। तो ए बी की आपकी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 3 और 4 को आप ऐड करेंगे तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी वैल्यू, 3 एंड 4 मिल करके आपका 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने निकाल लिया डिस्टेंस, देन हम लोग निकालते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकंड नंबर आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाथ फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या जानते हैं, शॉर्टेस्ट, सब कुछ सेम रहेगा, केवल इसमें आपका एक्चुअल डिस्टेंस ये बदल करके क्या जाता है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखिए एक्चुअल डिस्टेंस आखिर यहाँ पे आप फिगर दिख रहा है, तो एक्चुअल में इन्होंने पाथ तो ये डिस्टेंस कवर करी, बट यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जब देखते हैं तो आप देखते हैं एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में आपका पोजीशन ए यहाँ पर है और फाइनल पोजीशन सी यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम ए टू बी नहीं जाएंगे, बी से सी नहीं जाएंगे, डायरेक्टली कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे? ए टू सी पॉइंट तक। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए टू सी, ए टू सी, और यहाँ पर एक एरो दिखा देंगे कि डायरेक्ट हमने ए से सी की ओर गए, ना कि हम ए टू बी गए बी टू सी। यहाँ पे हमने देखा कि ए टू बी गए तो बी से सी की ओर गए, तो दोनों को जोड़ करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ पे हम बी पे ना पहुँच करके डायरेक्ट सी पर गए, तो यहाँ पर हम ये दिखाते हैं एरो। तो एरो रिप्रेजेंट करता है आपका वैक्टर, इनको हम बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटी। जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी, तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को निकालते हैं तो ए सी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला रहता है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है आपका? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का आपका स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजेंटल पाथ या आप कह दीजिए वर्टिकल पाथ, ठीक है, थ्रू आर ट्राइंगल, क्योंकि ये एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इनको हम बेस और इनको हम क्या परपेंडिकुलर या आपका, ठीक है, यहाँ पे आप बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं फर्स्ट हम लोग ने ए बी डिस्टेंस कवर करी तो ए बी का स्क्वायर देन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपको समझ में आया उस तरीके से आप समझने का कोशिश करिए। इतने में कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। अब सिंपल आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू रख देना है, तो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी थी आपकी? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 16। दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 और 16 मिलकर के अंदर कितना बना देंगे? 25। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए 25 किस चीज का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर आ गया, और सेंटीमीटर के ऊपर पहले से स्क्वायर था, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, यही आपका क्या होता है? अच्छा, ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत? एक बार आप फिर से देख लीजिए दोबारा से, अगर कोई दिक्कत लग रही हो, आपको महसूस हो रही हो तो पूछिए। नो डाउट? नो डाउट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।